एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक मरहरा में स्थित पिवारी गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 32 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने धनवती को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2900 की आबादी एवं 2600 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 810 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 350 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 95 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिपोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 25 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत प्रभारी, ग्राम प्रभारी, पोस्ट प्रभारी, जिला एटा, 4 प्रधानमंत्री आवास और स्कूलों में टाइल्स और कार प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास, आंगनवाड़ी केंद्र, संपर्क मार्ग और सरकार से निवेदन है कि किस्त बढ़ाई जाए जिससे कि कार प्रगति पर हो सके।